बहुत खुशी की बात है, मोर छैया भुइया टू आने वाला है। तो मैं अतका दिन कावर नहीं दिखाई देता हूँ, तो भाई सतीश जैन ऐसे इंसान है कि वो ले शुरू हो गया। मैं कहानी पिक्चर देखे कि नहीं देखे, एक इंटरव्यू में आप बोले रहे कि मोर छैया भुइया मैं साइन करके बहुत पछतावा था कि काय कर पीछे राज वजह काय ओकर वजह ये है कि जय जोहार जय छत्तीसगढ़। जैसे हम देख सकता था शेखर सोनी सर है, बहुत दिन के बाद सर हम ढूंढ निकाले हैं कि मोर छैया भुइया हम अपन देखे रहे हो ठीक है, और एकदम से इंडस्ट्री से अपन गायब हो गए सर। आप मना ढूंढे रहे बहुत मुश्किल में मिले हो, का इधर पीछे का राज बजावा। मोर जतका संगवारी है भाई बहनी है और मोर जतका भी दाई दीदी मन है सबला राम राम जय जोहार उदय के नमस्कार। सबसे बड़े बात ये है कि मैं छैया भुइया के बाद मैं बहुत अगन पिक्चर करे हों, अंगना भी करे हों, भोला छत्तीसगढ़िया करे हों, मोर संग चलमितवा करे हों, करीब करीब 8-10-12 पिक्चर करे हों, एक 8-10 रिलीज भी नहीं हो पाई से। लेकिन मैं ओकर बाद 2005 से 2013 तक मैं जनदर्शन में रहे हों और छत्तीसगढ़ में मैं डॉक्यूमेंट्री बनाए के काम करते रहे हों डिपार्टमेंट भर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर मोर काम भी है, ज़्यादातर मैं एडवर्टाइजमेंट बना थो, मोर एड बनाए काम है और विभागीय डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना दी थो मैं। तो एक बाद बीच बीच में मैं कोशिश कर रहे हूँ कि मैं खलिहान पिक्चर के माध्यम से अपन बात ले के आऊँ, लेकिन मोर कोशिश जो रही वो विफल हो गए। काबर कि आज के ज़माना में थोड़ा सा अलग टाइप की स्टोरी चलत है और खलिहान में मैं दूसरा टाइप के मतलब पारिवारिक स्टोरी ला रहे हूँ, तो वो पिक्चर ला मन के पसंद नहीं करी, तो बॉक्स ऑफिस होकर कलेक्शन नहीं आई। ओकर बाद मेरे एक पिक्चर शूट हुए हैं मानव तस्करी पे संगवारी हो और बहुत बड़े पिक्चर है, मतलब ओकर मोर जैसे इंसान वाला लिखे हैं। मैं तो अतका जानता हूँ कि बहुत बहुत शानदार पिक्चर बनाए हूँ मैं, लेकिन वो कुछ कारण से पिक्चर रिलीज नहीं हो पा रही हो पादरी से, तो ओला छोड़ के मैं ओकरे से प्रेरित होकर मोर अवैया टाइम पे नवा पिक्चर आते और वो पिक्चर में मैं छत्तीसगढ़ के मानव तस्करी के दर्दला दिखात हूँ और हिंदी पिक्चर है और वो पिक्चर ला देखे के बाद आप मन ला निश्चित रूप से समझ में आई कि इंडस्ट्री में मतलब काम करे एक बात भी संघर्ष कतका है। तो बहुत इंडस्ट्री का है कि मैं अतका दिन कावर नहीं दिखाई देता हूँ, तो भाई मोर पास पैसा हो ही या होती तो मैं खुद अपन पिक्चर ला बना बना के मैं अपन पिक्चर ला बना बना खुद रिलीज करत रहते हूँ, लेकिन मोर पास तो मोर करत कोई फाइनेंसर है नहीं, मैं राइटर हूँ डायरेक्टर हूँ, तो मैं अपन हिसाब से अपन जब मोर व्यवस्था बनते तय अपन हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो अभी कहा है भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत दिन से मैं काम करे कोशिश करत हूँ, तो अमदपति श्री राम लल्ला के नाम से हमन 20-25 वेब सीरीज यूट्यूब में लाए कोशिश करत हन और एमा भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास काल के छत्तीसगढ़ में जतका भी समय बिताए है ओमा के लीला और जो नीति वाक्य भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्हें संदेश दे है, तो वो उस संदेश ला लेके हमन बहुत जल्दी आए तैयारी में हन और ओकर जो थीम सॉन्ग में लिखे रहे हूँ वो थीम सॉन्ग ले हमन पिक्चराइज करत हन, वो थीम सॉन्ग के जो डांसिंग पोर्शन है वो ला अलग शूट करे हन और थीम सॉन्ग के बीच में जो अंतरा में जो भगवान के जो चरित्र लीला है श्री रामचंद्र जी महाराज के वो थीम सॉन्ग के जो बीच के जो भाग है ओला हमन आज जंगल में आज शूट करे हैं और ओमा राम लक्ष्मण भगवान श्री राम सीता माई के दर्शन हुई आप मन ला और ओमा से संदेश जाही कि हमन का कैसे रामायण ला लेके आथन कैसे हमन का दिखाए कोशिश करा था। मोर छैया भुइया 2 आने वाले से के का अपन ला पता है कि अपन ला एक ऑफर है कि नहीं आए? बहुत खुशी की बात है मोर छैया भुइया 2 आने वाला है, तो भाई वो तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के विषय है, लेकिन छैया भुइया मोर छैया भुइया 1 से बोला कोई ज्यादा फायदा नहीं हुई, तो मैं छैया भुइया 2 के बारे अच्छा में बात एक इंटरव्यू में आप बोले रहे कि मोर छैया भुइया मैं साइन करके बहुत पछतावा था कि काय कर पीछे राज वजह काय ओकर वजह ये है कि अब सबसे बड़ी चीज है कि वो पिक्चर करे के बाद मोर नौकरी वोकरी भी चल दी और ओकर से कोई आर्थिक फायदा मतलब हो ही नहीं से होइस नहीं है, जेकर कारण मैं भाई अब जो दर्द रही सोला मैं बांटे हूँ मोर संगवारी है पूछ रही तो, और सच भी है कि आज 23 साल बाद भी इंडस्ट्री आज अपन पैर में खड़े नहीं हो पाए है। एक डायरेक्टर के बहुत अच्छा पिक्चर अगर बन जाते और 1-2 डायरेक्टर के पिक्चर सुपर हिट हो जाते करोड़ों रुपया कमा लेते ओकर से इंडस्ट्री नहीं खड़ा होगी, इंडस्ट्री तब खड़ा होगी जब छोटे छोटे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पिक्चर हिट होगी और हर छोटे छोटे प्रोड्यूसर ला ओकर घर में कमाई आई। हमारे छत्तीसगढ़ में अतेक कलाकार है और छोटे छोटे भाई बहनी मन अतेक रील बनाते अतेक उम्मीद लेके आते आगू आते ओ मन ला सब ला एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, ओ मन ला कमाई मिलना चाहिए, ओ मन के आर्थिक स्थिति अच्छा होना चाहिए
और ओमन जब आगे बढ़ी ना तब जाके इंडस्ट्री हम मतलब सही मायने में खड़े इंडस्ट्री के मतलब सार्थक हो ही। अभी इंडस्ट्री नहीं है, अभी इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग पीरियड में, अभी इंडस्ट्री ट्रायल पीरियड में। आज राज्य बने के स्टेट बने के 23 साल बाद भी इंडस्ट्री जो है ट्रायल पीरियड में है। दो चार पिक्चर हिट हुए से कोई फायदा नहीं है, हर 10 में से कम 6 पिक्चर जब हिट हुई तब जाके इंडस्ट्री खड़ी हुई। सतीश जैन के एक मूवी ही चला थे आपने सुने हो, ले शुरू हो गए मैं कहानी, पिक्चर देखे कि नहीं देखे, कई भी एक महीने से भी ज़्यादा हो गया, क्या बोलना चाहता हूँ? मैं पिक्चर नहीं देखे हूँ लेकिन मैं अटका जरूर कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि भाई सतीश जैन ऐसे इंसान है कि वो पत्थर वाला उठा के सोना बना देते। और पिक्चर के पिक्चर हिट करे में कलाकार के मतलब नहीं है, है ना, कलाकार मन के कोई ज़्यादा भूमिका नहीं रहे पिक्चर हिट होते तो, डायरेक्टर ही सब कुछ रही थे, डायरेक्टर और माई बाप रही थे। वो सही मायने में आज सतीश जैन के कारण ही इंडस्ट्री खड़े है। दूसर लग देख लेते हैं बहुत इक्का दुक्का पिक्चर आए हैं, अगर सतीश जैन जैसे इंसान नहीं होती तो आज इंडस्ट्री में आज कोनो नाम लेवैया नहीं होती छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के। तो मैं बहुत खुश हूँ, और अमलेश नागेश की भी पिक्चर हिट हुए, मैं तो पहले भी बोल रही हूँ कि जो भी कलाकार पिक्चर करते हो ओकर जमीन तैयार होना चाहिए, ओकर कमाई होना चाहिए, ओकर कमाई बढ़ना चाहिए। पिक्चर चली से तो जरूर कोई बात है, और बहुत अच्छा पिक्चर हुई तभी चले है। तो मैं शुभकामनाएं पहले भी दे चुके हूँ और ये माध्यम से भी दे सकता हूँ, ऐसे कोई अमर कोई जाति दुश्मनी काकरो इंडस्ट्री में काकरोच नहीं रहे। अच्छा सर, आप मन से हम जानना चाहे अपन मोर छैया भूया कुछ यादें शेयर करना चाहता, बहुत दिन हो गए आप मतलब मोर छैया भूया हम देखे हैं, बहुत अच्छा आप मन की एक्टिंग रही से, एक बारे में कुछ हो बताओ समय की याद, कुछ डायलॉग वगैरह याद हो जिन बहुत ज़्यादा आप मतलब अभी भी पसंद आते, कोई माहौल क्लाइमेट कुछ नहीं। वो छत्तीसगढ़िया वाला जो डायलॉग रही थे ना कि मुंबई के होने से तुम सुपीरियर नहीं हो जाती ना, छत्तीसगढ़ के होने से हम इंफीरियर। तो जो छत्तीसगढ़ियों में, छालीवुड के कलाकारों की बात नहीं करता मैं, छत्तीसगढ़ियों में जो इन्फीरियरिटी की भावना है, थोड़ा सा हीन भावना कहीं कहीं लगती है कि हम कुछ नहीं कर पाए हैं आज, वो सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ को बहुत सारे प्रोजेक्ट में भूखा नंगा बताया गया होगा, और बहुत सारे ऐसी माइनस पॉइंट छत्तीसगढ़ में नीचा दिखाया गया होगा। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं इस स्टेट में पैदा हुआ जो श्री राम जी भगवान की लीला की नगरी है, माता कौशल्या की नगरी है, बहुत कुछ है यहाँ, क्या नहीं है यहाँ। तो छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है स्टेट पूरे हिंदुस्तान में, सबसे उत्तर प्रदेश या दूसरे स्टेट के बात करें तो बहुत पावन स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। यहाँ की महतारी ने सबको फलित पोषित किया है, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कभी मतलब मैं समझता हूँ कि कोई भूखा नहीं रहा है। शर्त यह है कि आप अपनी मेहनत को कितनी शिद्दत से करते हैं और आपकी किस्मत किस तरह से कब खुलती है ये डिपेंड करता है। तो मैं मेरी भावना है कि छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री अच्छे से रन करे, ग्रो करे, और यहाँ का हर कलाकार पनपे। कुछ बताना चाहते हैं मोर से भूया, हम आपको कितना फीस मिले या फिर कुछ ऐसे टाइप? देखो क्या होता है कि अब क्या 23 साल बाद सुपर हिट हुआ था सर, उस समय सुपर डुपर हिट हुआ था फिल्म, 23 साल बाद गड़े मुर्दों को उठाने से कोई मतलब नहीं है। बस इतना है कि जिंदगी में ये बात सही है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो मुझे बहुत कम मिला है और मैंने बहुत ज्यादा खोया है जिंदगी में। ऐसे क्या मोर छैया भूया छत्तीसगढ़ की पहली सक्सेसफुल मूवी था, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, ठीक है ना, कमाई के मामले में मोर छैया भूया बहुत सारे ऐसे हिंदी पिक्चर का भी रिकॉर्ड हुआ था उस समय, कितना कुछ कमाया पिक्चर और आपको क्या मिला, कुछ बेनिफिट मिला नहीं मिला, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं क्या? कुछ है कुछ नहीं, पारिश्रमिक के तौर पर तो मुझे कुछ नहीं मिला था छैया भूया से, बाकी लोगों को क्या मिला मुझे कुछ नहीं मालूम। और क्या होता है कि नाम बहुत बड़ा मिला, बहुत बड़ा नाम मिला, लेकिन नाम से इंसान का पेट नहीं भरता है, उसको इनकम होनी चाहिए, आय होनी चाहिए। और भाई हर किसी को कहीं से कोई बैकिंग सपोर्ट नहीं मिलता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि सच के रजदामा जिंदगी जेल, झूठ के रजदामा सब सुख सुविधा। तो ऐसा है कि बहुत सारी परिस्थितियाँ स्टेट में रही हैं, और फिर बोलते हैं कि माथा देख के तिलक लगाने वाली परंपरा तो हर जगह है, तो वो यहाँ पर भी है। अच्छा सर, आप कहाँ रहते हैं एकदम, सोशल मीडिया में भी आपको ढूंढते हैं पता नहीं चलता, एकदम कहाँ से गायब हो गए? सोशल मीडिया में एक्चुअली क्या होता है कि खलिहान पिक्चर के बाद कुछ बताने लायक था नहीं, मेरी आदत नहीं है कि रोज कुछ ना कुछ मैं यहाँ गया, मैं ये किया, कुछ कर लूँ तो बताऊँ ना सोशल मीडिया को, क्या बताऊँ मैं। अच्छा सर, आप कहाँ रहते हैं इसके बारे में बताइए।
मैं तो सबके दिलों में रहता हूँ। फिर भी कोई लैंडमार्क का रायपुर दूर का बिलासपुर कहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ कौन सा कोना में रहते हो? रायपुर में मेरा बूढ़ा पारा निवास स्थान है और आज सालों से मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा सर, अगर आपको छत्तीसगढ़ी पिक्चर का कुछ ऑफर आएगा इस वीडियो को देखकर तो करोगे कि नहीं? मैं ऑफर आएगा तो जरूर फिल्म करूँगा और कोई इसमें मना ही नहीं है और जो भी तरह अच्छा रोल होगा तो जरूर करूँगा। काम करने में कोई बुराई नहीं है, काम एक्टर तो लाइफ टाइम काम करता है। चलो सर, आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। आपके चाहने वाले भी सोचे होंगे कि सर कहाँ है, इसे करके तो पता भी चल गए उन लोगों को, ठीक है ना? समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बस आपको भी धन्यवाद दोस्त, और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं जान रहे हैं आने वाले समय में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी इंडस्ट्री में बहुत कुछ देना चाहता हूं, देने का मौका नहीं मिल पा रहा है, अवसर नहीं मिल पा रहा है। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कोई अच्छा फाइनेंशियल प्रोड्यूसर नहीं मिलता इसलिए हम काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारी कहानियां मेरे पास है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मैं तैयार कर सकता हूँ। कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे दम जो हमारे स्तर पर है वो हम करेंगे, और बाकी मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता बहुत सारी चीज़ों से, कि उम्मीद रखने से कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद सर।